लोग है, डट के दुकाना खोलो, क्या होता देख लेंगे। शराफत से हम बोल रहे हैं तो समझ रहे नहीं, जो होती सोती देख लेंगे, सब मिलकर देख लेंगे क्या होता, जो होता मंजूर, कैसा बुक करेंगे, करने दो, कितने करते करने दो, जेल में डालना, क्या डालते देखेंगे। देखो सीएम की वैल्यू नहीं है उनके पास, सीएम बोल रहे तो वैल्यू नहीं रख रहे लोग। असेंबली के फ्लोर पर सीएम बोले, मैं आज यहाँ से ऐलान कर दे रहा हूँ, ऑर्डर की क्या जरूरत, ऐसे ऐलान करो दुकाना खुले रहेंगे, रमजान में जगने की रातों को खुले रहेंगे दुकाना, बोल के ऐलान करे। अकबर साहब के जो साहब का भी वीडियो बताया तो सब नहीं करते, साहब बोल के बोले, अकबर साहब असेंबली में इतनी सख्ती से बोले और ऐसी उससे बोले, शिद्दत से, रमजान के ताल्लुक से, जगने की रातों के ताल्लुक से, सीएम साहब से भी उठ के बोले, अभी लगा उनका भी नहीं रख रहे। एमपी इलेक्शन में बताना है शिद्दत से अच्छा काम करना है, डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं कोई भी चीज से भाई, कोई डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं, खड़े रहेंगे, धरना देंगे, जो होती सो होती, पुलिस वालों का घेराव करेंगे ऐसी की तैसी, क्या करती पुलिस देखेंगे। रमीजा भी का भी केस हुआ था, पुलिस वाले नाके छोड़ के भागे थे, मजलिस के लोग थे हैदराबाद में, पुलिस के नाके खाली हो गए थे, अगर चाह रहे हैं वैसा तो वो भी करके बता देंगे फिर एक बार। और हमारे एमएलए साहब 24 घंटे अवेलेबल है अपने वहाँ से, हम भी आपके साथ हैं, जमात के साथ रहना है, सदर साहब के साथ रहना, सदर साहब साथ है, सदर साहब बोले जाके जाओ, मैं क्या बोला आपने, दुकाना खुलाओ, आप अकेले करें, मैं अकेले करूँ, या तो क्या है कि उनको हमारे से मोहब्बत हो गई, आज नहीं आए बोल के फिर बंद कर दिए, हो गया दुकाना खुले रहना, खुले कल से खुले, नहीं आज बंद करो बोल के, नहीं नहीं ऐलान करे उसके बाद, कोई डरने की जरूरत नहीं, सब एक साथ रहो, कुछ नहीं होने का है, जमात साथ है आपके, हमारा साथ है, ज्योति ज्योति देख लेंगे। अब ये तंगा मत तो जंगा मत, अब शराफत से बोल रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे मजलिस मुस्लिम को ऐसी ऐसी जमात नहीं है, हम हर चीज आता, घी सीधी उंगली से टेढ़ी उंगली से कैसा निकालना वो भी आता, सब हमारे को आता, सालार सिखा के ये पैतरे पूरे क्या करना क्या नहीं करना, सालार की जमात है ये, तो बुजुर्गों की इनकी जमात नहीं है, जो होता देखेंगे क्या होता। हमारे लिए वो तुम बता रही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बराबर तो नाज़रीन हमें अभी फिर वक्त अपना बाद में ले, बाद में ले, बाद में ले लो, बोलिए सर। चार मीनार के पास से जो फ्रूट वेंडर से जो बंडियां हैं उनका फोन, नसीब मिल्लत अरे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आया, मुझे भी आया, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाकर दुकानें खुलाइए, क्योंकि हुकूमत ने आज रमज़ान से रात भर दुकान खुली रखने का ऑलरेडी ऑर्डर दिया था, और आज भी सीएम साहब ने इफ्तार पार्टी के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि दुकानें सुबह तक खुले रहेंगे, उसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से दुकानें बंद कराए जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि सीएम के कहने के ऊपर भी, उसके बावजूद भी यहाँ की जो पुलिस है, लोकल पुलिस, यहाँ के जो नाके के लोग हैं, वो लोग जो है सो जो सर्कल इंस्पेक्टर है और तमाम उनके अमला है चार मीनार के, वो ज़बरदस्ती आकर दुकानें बंद करा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चाह रहे क्या है, आखिर क्यों गरीब लोगों को सता रहे, कि ऑर्डर उनको आने के बाद भी उनकी दुकानों को बंद करा रहे और सुबह से उनको चालान करते जा रहे हैं, उनको कई बंडियों को चालान करे, सुबह भी करे शाम भी करे, ये आप देख सकते हैं धराटो आप समझ सकते, आप देखिए पूरा बंडिया बंद करा, आप देखो खुला है, गुजर के भी बता दो पूरे बंडिया, देखो आप पूरे बंद करा,
बंद करा के बढ़ा दिए, गाली गोलस कर रहे हैं गरीब लोगों को, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बार बार अगर इस तरह की हरकत होंगी तो ये बात अच्छी नहीं होंगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा करेंगे तो इसके जिम्मेदार खुद जो लोग बंद करा रहे हैं वो लोग रहेंगे। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन पर एक्शन लीजिए। आपकी बात का इनको कोई आप कहने के ऊपर भी आपकी बात का किसी किस्म का वो उनको असर नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने दें, इनको हटाइए यहाँ से। आप ये खामखा की है परेशान कर रहे हैं लोगों को, आखिर करना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। रमज़ान का महीना है, लोग यहाँ पर शॉपिंग को आते हैं, लोग खाते हैं, खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इसमें काम हो रहा है। सर एक सवाल है सर, जब सीएम साहब ने जब ऐलान किया 24 घंटे खुला रखने के लिए, तो ये पुलिस उसके ऊपर क्यों नहीं अमल कर रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? वही तो समझ में नहीं आ रहा, या तो पुलिस हुकूमत के खिलाफ जा रही और सीएम साहब को बदनाम करना चाह रहे होंगे, हुकूमत को बदनाम करना चाह रहे, यही हो सकता मकसद। तो अगर बात क्या है बोलो आप। क्योंकि मोहम्मद अली शब्बीर साहब से बात हुई तो वो बोले कि सीएम साहब बोले हैं, जबकि कल भी सीएम साहब बोले हैं कि 24 घंटे बाजार खुला रहेगा, उसके बावजूद पुलिस ये गैर हरकत करते हुए बंद कर रहा है, इसकी वजह क्या? काम है पूछना सर, हुकूमत का काम है इनसे पूछना, कमिश्नर साहब का काम है, कमिश्नर साहब का काम है इनसे पूछना, डीजीपी साहब का काम है पूछना, डीसीपी साहब का काम है पूछना। आखिर ये देखिए आज लेबर की जानिब से भी ऑर्डर आ गया, तमाम को आया, इसमें आपके एडिशनल कमिश्नर मान साहब ने दिया है ऑर्डर, इसको हर एक को दिए, ऑल डीसीपीस ऑल जोन्स सबको दिए हैं, आप पूरों के साहब पास है। देखिए आप, ये कुछ रिपोर्टर्स बता रहे थे कि कोई एरिया ये हमारे एरिया का नहीं है, डीसीपी हमारे एरिया का कमिश्नर नहीं है, ये ऐसे कुछ बातें हो रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परसों जाकर तमाम तीनों कमिश्नरों से हमने नुमाइंदगी की सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर, रचाकुंडा साइबराबाद और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से हमने मिला, उनसे हमने जो भी दुश्वारी जो हो रही है लोगों को उनके सामने रखी, ताकि तकलीफ जो हो रही है वो तकलीफ बताए, वो लोग राजी हुए। और आज सीएम साहब तो आज उन्होंने भी कहा कि 24 घंटे दुकानें खुले रहेंगे, सुबह तक दुकानें खुले रहेंगे, तो उसके बावजूद ये हो रहा है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए, वरना फिर हमको एहतजाज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेके गरीबों को लेके हमारे एहतजाज करिए, दुकान वालों को लेके, उसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं रहेंगी। जो चालान हुए भाई हम पे और गरीबों को आके चालान करते जा रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं चालान करके? आप चालान करते जा रहे हैं, गरीब आदमी भरेगा कहाँ से? पब्लिक का ये कहना है साहब के बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और चालान करके जा रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? बैड लैंग्वेज यूज करने के लिए किसने इनको कहा था लैंडर को? उस पर भी एक्शन लेना है, उस पर भी इनको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बर्दाश्त नहीं करेगी, हम बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे इनके साथ, जितने गरीब लोग हैं दुकाना वाले जो भी है कारोबारी लोग है इनके साथ हम डट के खड़े रहेंगे। सदर मोहतरम का हुक्म है, मजलिस पूरी इनके साथ है, हम इनकी दुकानें खुलाएंगे, चाहे जो होता तो होने देंगे, हमने घबराने वाले नहीं। खोलो दुकान, खोलो दुकाना, खोलो पूरे दुकाना खोलो, तो नाज़रीन हमारा आपको कहना यह है कि हम लोग आपको जो लाइव बता रहे थे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, एमएलए साहब यहाँ पर मौजूद है और एमएलए साहब ने बताया कि अभी यहाँ पर सारी दुकानें खोलो, देखो गरीब ठेला मंडी वाले सारे लोगों की दुकान बंद कर दी, जबकि एक ही महीना है जो लोग साल में एक महीने में ही ये लोग कमाते हैं और काफी दुश्वारियों का सामना करते हुए ये लोग यहाँ पर ठहरते हैं, उसके बावजूद भी ये बाजार को बंद कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। आगे बच्चे अपने गाय लेके आ गया।
भाई क्या हुआ भाई, खोल रहे हैं अभी आप? हाँ भाई, हाँ भाई, कौन बोले आपको खोलने के लिए? एमएलए साहब आए, बोले साहब खोलो, बोल गए जी। तो आप लोग का खोल रहे हैं अभी? हाँ, बंद कौन कर रहे थे आपको? पुलिस वाले बंद कर रहे थे, अभी आप खोल रहे हैं? हाँ, ओके भाई, ओके, वेरी गुड। तो नाजर साहब, क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गरीब ठेला मंडी का कारोबार करने वालों को जनाब एमएलए साहब यहाँ पर आए, जुल्फिकार साहब आते हुए यहाँ पर अभी ये दुकानों को ओपन कराया गया, अभी ये खोल रही है दुकानों को, खुलवा रहे हैं। लगा देखिए बोलियो पूरा बंद करा दो, बंद करा दो लियो भैया, पूरा दुकान बंद कर, इधर आओ अपना, इधर आओ, इधर आओ। हम आपको जो बता रहे हैं, यहाँ पर जो पुलिस की जानिब से बंद कराया गया था, एमएलए साहब यहाँ पर मौजूद है, जुल्फिकार अली साहब, तो इनकी जानिब से तो जो लोग थे कुछ खोलने लग गए, लेकिन काफी सारी दुकानें, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये सारी दुकानें बंद करा दी गई। जैसा कि आपको पता है कि रमजान का माहौल है, कि ये लोग साल में एक दफा यहाँ पर छोटे कारोबार वाले कमाते हैं। ये सारे दुकानें जो हम आपको मंजर बता रहे हैं, ये चार मीनार के दामन का मंजर है, यहाँ पर सारी छोटी दुकान वालों को सारा बंद कर दिया गया। इधर से जबकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की जानिब से ये कहा गया था कि 24 घंटे दुकान रमजान में खुले रहेंगे, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहना है कि हमारे को कोई ऑर्डर नहीं मिला। पता नहीं ये चुहा बिल्ली का खेल कौन सा चल रहा है, मुख्यमंत्री की जानिब से और पुलिस की जानिब से। जब मुख्यमंत्री ने जब ऐलान किया है 24 घंटे खुला रखने के लिए रमजान के अंदर, उसके बावजूद पुलिस उसका बिल्कुल उल्लंघन कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही ऐसा लगता है, तो इसका क्या मतलब निकलता है ये हमको नहीं मालूम।